यह ट्रांसफार्मर है जो कि थ्री फेज सप्लाई का ट्रांसफार्मर का आउटपुट जो कि बैरल फ्यूज़ लगा हुआ है ऊपर, तो उस बैरल फ्यूज़ को पहले कट गया था, उड़ गया था, तो अभी सप्लाई से लोग आके इसको लगा दिया नया बैरल फ्यूज़। तो उसके बाद हम जो कि समरसेबल का वाटर पम्प का जो केबल है इसका ऊपर का इंसुलेशन खोल के हम लोग जॉइंट जो है इसे चेक किया। तो चेक करने के बाद हमें देखा कि यह जॉइंट जो है बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद हम इसका वायर जो कि ऊपर में और एक जॉइंट है इस वायर में, तो यहाँ भी एक जॉइंट है, इससे भी खोल के हम देखेंगे। उससे बाद हम पैनल का जो रूम है इस रूम के अंदर जाएंगे और इसका जो सारा सिस्टम है। तो इस सिस्टम के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो यह है पैनल का रूम और ये पैनल बोर्ड। तो इस पैनल रूम से पैनल बोर्ड से जो कि बीच वाला एक एमसीबी देख रहे हैं आप, जो अभी नीचे वाला जो टीपीएन एमसीबी है उसको खोल रहे हैं ताकि हम लोग इसमें सप्लाई चेक करेंगे तीनों फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। उसके बाद जो इसके ठीक ऊपर बगल वाला देखिए वो भी है टीपीएमसीबी जो कि समरसेबल का कनेक्शन है, इसमें पम्प का कनेक्शन है स्टार्टर का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ। एक समरसेबल स्विच जब ऑन करते हैं तभी जो एमसीबी है टीपीएमसीबी जो कि समरसेबल पम्प का जो एमसीबी है वो ट्रिप कर जाता है। तो आखिर हम चेक करेंगे इसमें, और हम लोग इसलिए बुलाया गया है आखिर क्या प्रॉब्लम है, मोटर में ख़राब है या फिर एमसीबी ख़राब है या सप्लाई में गड़बड़ है, आखिर क्या प्रॉब्लम है आपको इस वीडियो पर दिखाऊँगा। तो दोस्तों कृपया करके आप वीडियो पर बने रहिए और हाँ इसको बिल्कुल मत कीजिए। तो देखिए आउटपुट हम लोग हटा दिया इसका एमसीबी से और अभी मेन लाइन हम चेक कर चालू कर रहे हैं इसमें। तो एमसीबी भी जो ट्रिप कर रहा था वो एमसीबी हम चालू कर दिया। देखिए इसमें कोई लोड नहीं है, लोड को हम खोल दिया वायर। अभी टेस्ट लैंप से हम थ्री फेज इसमें चेक करेंगे तीनों सप्लाई एमसीबी से आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और ये चेंजओवर से हम लोग खोल के इसमें न्यूट्रल ले लेंगे इसमें से। तो न्यूट्रल लेने के बाद देखिए उस तरफ एमसीबी में हम लोग जो तीन टर्मिनल है उसी में हम लोग चेक कर रहे हैं थ्री फेज। ठीक है दोस्तों, तो इसे चेक करने के बाद हम लोग केबल की तरफ जाएंगे जो कि जॉइंट है। तो इस जॉइंट को हम निकाल देंगे, ऊपर से नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद फिर हम दोबारा इसको चेक करेंगे कि आखिर जॉइंट में शॉर्ट है कि नहीं है। देखिए केबल छोटा पड़ने के बाद फिर इसमें बीच में एक जॉइंट दिया हुआ था जो कि इसमें थ्री फेज का जो थ्री कोर वायर है, तो इसका जो ऊपर का इंसुलेशन है उससे हम हटाएंगे और चेक करेंगे आखिर इसका जो टैपिंग है वो सही है कि नहीं है, जॉइंट वगैरह सही है कि नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे इस तरफ से। देखिए जॉइंट बिल्कुल सही है, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। तो अभी फिर से हम लोग अंदर के जो पैनल है उस पैनल में हम लोग चेक करेंगे दोबारा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं जो कि समरसेबल का जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर में कुछ शॉर्ट तो नहीं है या फिर जो कंटेक्टर है वो ख़राब तो नहीं है, आखिर क्या प्रॉब्लम है वो चेक कर लेंगे। आपको भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है दोस्तों। तो चेक करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट है जो समरसेबल का जो कनेक्शन है उसे हम फिर से एमसीबी में जोड़ेंगे। एमसीबी में जोड़ के फिर हम लोग चालू करेंगे, इसका सप्लाई देंगे, उसके बाद ऑन करेंगे समरसेबल स्टार्टर। फिर अब मैं आपको दिखाऊंगा आखिर दोबारा ये ट्रिप होता है कि नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए तीनों कनेक्शन हमने जोड़ दिया इसमें। तो अभी बंद कर दिया इसका ढक्कन, उसके बाद देखिए स्टार्टर का ये हरा वाला बटन दबा दिया हमने। दोस्तों आप ध्यान से देखिए ये एमसीबी दोबारा ट्रिप हो जाएगा। देखिए आवाज़ के साथ आपको सुनाई दिया होगा। तो दोबारा हम लोग इसमें चेक करेंगे थ्री फेज जो कि ट्रांसफार्मर से जो आया हुआ है। कभी कभी क्या होता है ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ जो है कि कमज़ोर होने से उड़ जाता हैवी शॉर्ट होने से। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो एमसीबी है पहले हम इस एमसीबी को हटाएंगे यहाँ से। तो डाउट क्लियर करने के लिए हम इस एमसीबी का जो कनेक्शन है उसे निकाल देंगे, आउटपुट कनेक्शन और इनपुट कनेक्शन हटा के हम लोग नया एमसीबी लगाएंगे इसमें जो कि हैवेल्स कंपनी का 40 एम्पीयर का जो टीपी एमसीबी है। देखिए ये एमसीबी हम लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा दोस्तों,
बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और मेरा जो चैनल है, फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का पेज माई इलेक्ट्रिकल टेक नाम से ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, हेवेल्स का MCB जो हम लोग इसमें सेट कर दिया और नीचे से इनकमिंग दे रहे थे 3 फेज, तो इसे इनकमिंग देने के बाद फिर हम लोग ऊपर से आउटपुट देंगे, जो कि स्टार्टर का जो 3 वायर देख रहे हैं आप। देखिए, इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे। देखिए, ये दोबारा ट्रिप हो चुका है, तो इसका मतलब MCB जो कि ख़राब नहीं है, तो बाहर कहीं पे शॉर्ट है। तो अभी हम दोबारा इसको ऑन करेंगे, नया वाला MCB लगा के फिर दोबारा ऑन करने के बाद ये रुक जाएगा, क्योंकि आगे कनेक्शन जो कि जॉइंट था उसके हम डिस्कनेक्ट कर दिया। दोस्तों, डिस्कनेक्ट जो वायर है उसे हम 3 फेज जो कि देख रहे हैं आप रेड येलो ब्लू, इसे हम चेक करेंगे जो कि कनेक्शन इसमें 3 फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, और एक बात बता रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 वायर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक प्रेशर पंप का वायर है और एक है समर सिबल का जो पंप है, जो 2 इसमें मोटर लगा हुआ है, एक पानी निकालने के लिए काम करता है और एक पानी आगे भेजने के लिए काम करता है। तो 2 पंप है इसमें, तो एक पंप ख़राब है जो पानी निकलता है नीचे से, वही पंप ख़राब है, और प्रेशर वाला पंप जो सही है। तो प्रेशर वाला पंप का जो इसमें कनेक्शन है, हम इसमें जोड़ने के बाद फिर आगे इसको कनेक्शन टेपिंग वगैरह कर देंगे, और इसका पंप का निकालने के लिए हम लोग फिर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि टैंकी पानी फुल है। तो इसका भी अलग से एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलते हैं वीडियो पे।